नमस्कार। जीवन में कोई भी बड़ा परिवर्तन आना जीवन का एक हिस्सा है और यह परिवर्तन किसी भी रूप में आ सकता है और कभी कभी इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमें बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है। अगर ये तनाव सामान्य है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर ये तनाव बहुत ज़्यादा अनियंत्रित या एक सीमा से अधिक हो जाए और इसका इफ़ेक्ट हमारे माइंड और हमारे बॉडी पर पड़ने लग जाए, तब यह तनाव कब डिप्रेशन यानी कि अवसाद में बदल जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। जब किसी भी रीज़न से हुआ तनाव लगातार 6 महीने या उससे ज़्यादा बना रहे तो धीरे धीरे वो तनाव डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये डिप्रेशन क्यों होता है? इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई दुर्घटना होना, किसी भी प्रकार का संघर्ष होना, किसी फैमिली मेम्बर को या किसी क्लोज वन को खो देना, हार्मोनल चेंजेस होना जैसे कि थायराइड, मेनोपॉज, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होना, बिजनेस में अचानक लॉस हो जाना आदि। बहुत ज़्यादा लंबे समय से अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है तो वह कुछ सिम्टम्स के थ्रू डिप्रेशन को पहचान सकता है, जैसे कि डिप्रेशन वाला पर्सन हमेशा उदास रहता है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट लिए हुए होता है। डिप्रेस्ड पर्सन को ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। डिप्रेस्ड पर्सन के सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत जल्दी निराश और हताश हो जाता है। वो कोई भी डिसीजन ईजिली नहीं ले पाता है क्योंकि वह हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में रहता है। डिप्रेस्ड पर्सन हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं और सभी से बहुत कम बात करना पसंद करते हैं और हमेशा चिंता में डूबे हुए रहते हैं। इवन ऐसे लोग खुशी के माहौल में भी या खुशी देने वाली चीज़ों के साथ भी उदास ही रहते हैं। अवसादग्रस्त व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है, एकाग्रता की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है और अपने आप को वो हारा हुआ महसूस करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट यह है कि क्या डिप्रेशन से बाहर आया जा सकता है? तो जी हाँ, ये बहुत ही आसान है। डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति की लाइफस्टाइल और खान पान में बदलाव करके उन्हें आसानी से डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है। अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि व्यक्ति अपने मन की बात अपनों के साथ शेयर करें। ऐसा हमें लगता है कि हमें शायद कोई नहीं समझ सकता, जो हम पर बीत रही है वो केवल हम ही समझ सकते हैं, लेकिन बिना किसी से बात किए ऐसा सोचना गलत है। एक बार किसी से बात करके ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि परिवार का कोई सदस्य मेरी बात नहीं समझ सकता तो आप अपने किसी खास दोस्त से बात करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ बिताएं। डिप्रेशन से गुजरने वाले व्यक्ति को अपने दिनचर्या में योगा, एक्सरसाइज, ध्यान को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ध्यान, योग और व्यायाम हमारे मस्तिष्क को शांत करने का काम भी करते हैं। पर्सन को सुबह उठकर वॉक करना चाहिए और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। पॉजिटिव थॉट्स वाली किताबें पढ़ें, म्यूजिक का सहारा लें और सामाजिक गतिविधियों में भाग लें और अकेले रहने की आदत से बचें। 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। नींद पूरी लेने से माइंड फ्रेश रहता है। कुछ देर सूर्य की रोशनी में ज़रूर रहें क्योंकि विटामिन डी हमें अवसाद से बाहर निकलने में हेल्प करता है। रात को सोने से पहले कल का स्केड्यूल डिसाइड करके सोएं, मुझे कल कौन कौन से काम करने हैं, और दूसरे दिन उठकर उत्साह के साथ वो काम करने की कोशिश करें। आप एक लिस्ट बनाएं कि कौन सा काम करने से आपको खुशी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको टीवी देखना पसंद है या गाने सुनना अच्छा लगता है या नेचर के साथ बैठना अच्छा लगता है, प्लांट्स लगाना अच्छा लगता है, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है या कुकिंग करना पसंद है। जो कुछ भी आपको पसंद हो उसके लिए पूरे दिन में एक पर्टिकुलर टाइम ज़रूर निकालें। चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, चाहे आपका मन हो ना हो, इन छोटे छोटे टास्क को पूरा करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि आपकी मनपसंद चीज़ें कहीं ना कहीं आपको खुशी देती ही है और इससे आपकी उदासी भी दूर होती है। और आप इन फेवरेट चीज़ों की एक चेकलिस्ट भी बनाएं। डेली डायरी लिखना स्टार्ट कर दें। जब भी माइंड में ज़्यादा थॉट्स आएं तो उन्हें लिखना शुरू कर दें। साथ ही ध्यान रखें कि पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। ऐसे फलों और सब्जियों को यूज़ करें जिनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। फ्रूट्स और मौसमी सब्जियों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। जंक फूड का सेवन कम से कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से जुड़े रहें और नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रहें। पुरानी बातों के बारे में ना सोचें क्योंकि पास्ट में जाकर चीज़ों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना सीखें और कोशिश करें कि प्रेजेंट मोमेंट को आप जी सकें अच्छे से, एंजॉय के साथ।
खुद को लोगों से दूर ना करें और ध्यान रखें कि डेली लाइफ में होने वाला नॉर्मल स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं होता है। आजकल लोगों ने डिप्रेशन शब्द को बहुत ही नॉर्मली यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि सही नहीं है। सामान्य तौर पर स्ट्रेस होना नॉर्मल है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को डिप्रेशन भी है तो उससे भी बाहर आया जा सकता है, क्योंकि अगर इंसान सोच ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अगर किसी भी पर्सन को ये लगता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ और मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो साइकोलॉजिकल हेल्प लेना गलत नहीं है। वक्त रहते साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी, ज़िंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी, लेकिन कभी अपने जीने के अंदाज को मत खोना। धन्यवाद।